जय हिंद प्यारे बच्चों। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक ही बहुत ही दुखद समाचार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के अंकों के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। उससे संबंधित एक आदेश मध्य प्रदेश शासन प्रशासन सामान्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को दिया है, जिसकी कॉपी आप देख सकते हैं। इसमें जो लिखा है, घोषणा क्रमांक C-210, चिन्हित शासकीय सेवाओं में चयन के लिए परीक्षा की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर शासकीय सेवा में चयन की व्यवस्था की जाएगी। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्वयन किया जाता है, इस हेतु आपके विभाग के ऐसे कितने पद हैं जिसमें चिन्हित शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं एवं 12वीं है? ऐसे पदों को चिन्हांकित करते हुए भर्ती प्रक्रिया का लेख करते हुए जानकारी 11 अगस्त 2021 तक इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो हाँ, तो बच्चों, मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के आधार पर जो नौकरियां दी जाना है उसमें 10वीं और 12वीं के मार्कशीट के अंकों के आधार पर ही नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, जो कि समाप्त की जाती हैं, और ये तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। जय हिंद।